हेलो स्टूडेंट, टीवी स्कूल से तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 करा रहा मैथ्स का, जिंदा नाम है ट्राइंगल। आपां पिछलियां क्लासां दे विच पढ़िया सी ट्राइंगल की होंदा है, ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़िया सी, ते दो थ्योरम पढ़िया सी। एक पढ़ी सी थ्योरम 6.1, उन दे बेसिस ते आपां कुछ क्वेश्चन भी किए सी। थ्योरम 6.1 का अदर नाम की सीगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। फिर कल जी आप एक थ्योरम की थ्योरम 6.2, तो उन्होंने आप कहने कनवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि ये एक्चुअल बिल्कुल ही उल्टी है थ्योरम 6.1 नालों। एक बार आप स्टेटमेंट जी है दोनों की रिवाइज कर लेने हैं। तो थ्योरम 6.1 जिंदी स्टेटमेंट में तुहाडे अगे लिखी हुई है कि है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। एंड कहने का मतलब सीगा, सपोज अगर एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो जो कि किसी लाइन ट्राइंगल की साइड के पैरल हो, तो मैं क्यू आर के बिल्कुल पैरल एक लाइन ड्रॉ की है। सपोज आ इंटरसैक्ट कर रही है पॉइंट ए एंड बी, आप दो लाइनस पैरल ड्रॉ की ने, तो अपनी थ्योरम 6.1 की कहती है। थ्योरम 6.1 का रिजल्ट लिख रहा है। तो थ्योरम 6.1 कहती है ए पी अपॉन ए क्यू किंदे इक्वल होगा पी बी अपॉन बी आर, और आप इनका प्रूफ भी कर चुके हुए हैं। इसी तरीके जी थ्योरम 6.2 है उनकी स्टेटमेंट का मतलब समझो की है। उन्हें बोला इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो दैन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इतने कहने का मतलब की है कि एक ट्राइंगल दे विचे, सपोज करते अपन ट्राइंगल है ए बी सी और एक लाइन कहते की कर रही है, सपोज एक लाइन है जो कि किसी एक साइड नू कट रही है एट पॉइंट ई एंड एफ। सानू गिवन है कि ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ये चीज गिवन है अपन। तो इतों के रिजल्ट की बनता है कि ई एफ जोड़ा है पैरेलल होगा बी सी दे, और इतने सानू गिवन की सीगा, इतने सानू गिवन सीगा कि जेड़ी ए बी लाइन है पैरेलल है क्यू आर लाइन दे, तो उतों की यह रिजल्ट बनाया सी। ठीक है, सो थ्योरम 6.1 बोलती है कि अगर दो साइड्स पैरेलल है ट्राइंगल दे विच, ट्राइंगल दे विच एक साइड दे दूसरी लाइन पैरेलल है, तो यह रेशियोज की होंगे इक्वल। ठीक है, उन्हें की बोल रहे अगर रेशो इक्वल ने तो लाइन क्यों हो गया पैरेलल हो गया। तो एक तरीके नाल जो थ्योरम 6.1 का रिजल्ट है ये उनका बिल्कुल ही उल्टा रिजल्ट है। इतने अपन पैरेलल बोलिया गया सी, असी रिजल्ट के अकॉर्डिंग कहने कि इन दी रेशो अपॉन इन दी इक्वल आती है दिस रेशो दिस। उत्थे की बोलिया गया कि रेशो इक्वल है, मतलब ए ई रेशो ई बी इज इक्वल टू ए एफ रेशो एस सी, ये गिवन है। तो साढ़े को रिजल्ट आऊगा कि जी ई एफ लाइन है वह पैरेलल होगी बी सी लाइन दे। कल आप कुछ क्वेश्चन किए थे थ्योरम 6.1 के बेस से, ताकि तुहानू पता लगे कि थ्योरम 6.1 किदा यूज़ करते हैं। अज आप थ्योरम 6.2 के बेस से एक अद्धा क्वेश्चन करा, ताकि पता लगे कि थ्योरम 6.2 किदा यूज़ होंगी है। फिर असं मिक्स क्वेश्चन करा, कि थ्योरम 6.1 लगती होगी कि थ्योरम 6.2 लगती होगी। तो हूँ आप क्वेश्चन कर जा रहे हैं थ्योरम 6.2 के बेस का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं थोड़े अगर पहले ही लिखा हुआ है, फिगर दी है सानू। उन्हें बोला इन अ फिगर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, मतलब पी एस अपॉन एस क्यू किंदे कोल है पी टी अपॉन टी आर, ये सानू गिवन है। और नाल ही उन्हें बोला है कि पी एस टी एंगल, देखो एंगल पी एस टी केड़ा होगा वाला, वो कहते किंदे कोल है पी आर क्यू एंगल दे कोल है, ये दोनों एंगल सानू गिवन है इक्वल। मैं मार्क कर दिते फिगर दे विचे। सानू प्रूफ करना है कि ट्राइंगल पी क्यू आर एक आइसोसेलियस ट्राइंगल है। असी जी सब तो पहली क्लास जी लगाई सी ट्राइंगल की, उन्हें मैं तुम्हें दसिया आइसोसेलियस ट्राइंगल की होंगे। एक बार आप दोबारा तो रिवाइज कर लें, एक ट्राइंगल आइसोसेलियस उदो हों जो उन्होंने ओपोजिट साइड्स की होन इक्वल। तो मैं किसी तरीके अगर इनू प्रूव करना है ट्राइंगल न आइसोसेलियस, तो सानू कोई दो ओपोजिट साइड्स इक्वल करना पेगा। तो आप स्टार्ट करते हैं, सब तो पहला तो आप गिवन लिख रहे हैं इस क्वेश्चन की सू गिवन है। तो गिवन की है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक तो सू दिता है पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, एक तो चीज़ आ गिवन है।
एंड एक होर कंडीशन दिती हुई है सानू एंगल दिता है इक्वल तो एंगल पी एस टी किंदे कोल दिता है एंगल पी आर क्यू दे कोल दिता है और सानू टू प्रूफ की करना है सानू टू प्रूफ करना है कि जेड़ा ट्राइंगल पी क्यू आर है ओ की है इज आइसोसेलियस आइसोसेलियस का मतलब साड़ी कोई भी दो ऑपोजिट साइड्स की आ जान इक्वल आ जान ठीक है तो अपन गिवन जो कंडीशन सी हमें गिवन दे अंदर लिखी है टू प्रूफ दे अंदर असी लिखा है कि जो सानू प्रूफ करने वास्ते बोला कि उन्हें बोला कि ट्राइंगल पी क्यू आर नू की शो करना है आइसोसेलियस हुण अपन देख रहे हैं कि सानू रेशियो इक्वल दिती है जो सानू रेशियो इक्वल दिती होवे तां केड़ी थ्योरम लगती है 6.2 जिवें कि आपां इस क्वेश्चन विच बोल रहे सीगे इह मैं एग्जाम्पल दिती सी तुहानू थ्योरम 6.2 दी असी बोल रहे सीगे जे इह रेशियो इहदे इक्वल टू दिस रेशियो दिस होवे तां लाइनस की होंदियां ने पैरेलल क्योंकि अपनी स्टेटमेंट भी आई बोलती है स्टेटमेंट एक बार मैं रिवाइज दोबारा तो बोल रहा तुहाडे अगे उह बोल रहा इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो दैन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਐਸ ਟੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀ ਐਸ ਅਪੋਨ ਐਸ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਟੀ ਅਪੋਨ ਟੀ ਆਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਥਿਓਰਮ 6.2 ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਐਜ ਪੀ ਐਸ ਅਪੋਨ ਐਸ ਕਿਊ is equal to PT upon TR ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਥਿਓਰਮ 6.2 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਥਿਓਰਮ 6.2 ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਫ ਅ ਲਾਈਨ ਡਿਵਾਈਡਸ ਐਨੀ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਨ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਦੈਨ ਦ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੈਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥਿਓਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਈ ਥਿਓਰਮ 6.2 ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਐਸ ਟੀ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਊ ਆਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਹ ਲਾਈਨ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹਲੇ ਆਈਸੋਸੈਲਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ अगर ये दो लाइन्स पैरलल ने तो आ एंगल और आ एंगल की होंगे इक्वल क्यों क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल तुसी पैरलल लाइन नाइन्थ क्लास में पढ़िया होया लाइन्स एंड एंगल दे विच कि अगर दो लाइन्स पैरलल होन तो उन्हां दे कोरस्पोंडिंग एंगल की होंदे ने इक्वल तो मैं लिख दिता कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर रीजन की लिखांगे कोरस्पोंडिंग एंगल तो कोरस्पोंडिंग एंगल करके ये दोनों एंगल के हो गए इक्वल बट सानू यह भी दिता है कि यह भी कंडीशन कि एंगल जेड़ा पी एस टी है वह किन्दे इक्वल है एंगल पी आर क्यू दे इक्वल है असी क्या कि आह दोनों एंगल इक्वल है बट सानू बोला कि आह दोनों एंगल भी इक्वल है देखो असी हुने प्रूव किया कि यह लाइन इस लाइन के पैरलल है तो आह दोनों एंगल इक्वल हो गए क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल ने बट सानू गिवन है कि आह एंगल इस एंगल के इक्वल भी है अगर यह दोनों एंगल इक्वल ने आ दोनों एंगल इक्वल ने तो इन्हें मतलब आ दोनों एंगल भी की होंगे इक्वल सो एनू लिख देना इक्वेशन वन एनू लिख देना इक्वेशन टू सो फ्रॉम वन एंड टू साडे कोल की आ गया कि एंगल पी क्यू आर किंदे इक्वल आ गया एंगल पी आर क्यू दे ठीक है असी की क्या कि आ दो लाइन्स पैरलल ने क्यों क्योंकि सानू गिवन सी कि दिस रेशो दिस इक्वल टू दिस रेशो दिस तो थ्योरम 6.2 की बोलती है कि दो लाइन्स पैरलल हो गया अगर दो लाइन्स पैरलल ने तो आ दोनों एंगल्स इक्वल हो गए बाय कोरस्पोंडिंग पेयर बट सानू गिवन है कि आ दोनों एंगल भी इक्वल ने इट मीनस आ दोनों एंगल भी क्यों हो गए इक्वल तो असी वही लिखे अच्छा हुने आपां प्रॉपर्टी पढ़ी सी ट्राइंगल की कि साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल आर इक्वल हुने आपां की कह रहे हैं इहदे विच कि अपने कोल एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल है तो क्यू दे ऑपोजिट साइड पी आर और आर दे ऑपोजिट साइड पी क्यू भी की होएगी इक्वल क्योंकि आपां रिजल्ट किया हमने तो वी नो दैट साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल ठीक है
तो एज अपन बोला गया है कि पी क्यू आर अपन हूने प्रूव किया है एज पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू देयर फोर असी की क्या कि आर दोनों एंगल हूने अपन प्रूव किया इक्वल है तो एन दे ऑपोजिट साइड पी आर और एन दे ऑपोजिट साइड पी क्यू भी की होगी इक्वल सो पी आर इज इक्वल टू पी क्यू अपा कह दिता कि दो ऑपोजिट साइड्स की आ गई इक्वल आ गई ने तो यही आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन होंगी है आइसोसेलेस ट्राइंगल की होंगे सगा जिंदिया दो साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाए उ चीज़ आप प्रूव की है तो आप लिख देंगे हैंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलियस यही सू प्रूव करना सी तो हैंस प्रूव ठीक है तो आप की किया एक बार दोबारा देखो सानू बोल फिगर दे दित्ती हुई सी रेशो इक्वल ते नाल सानू दित्ता होया सी एंगल पी एस टी पी आर क्यू दे इक्वल सानू प्रूव करना सी ट्राइंगल आइसोसेलेस है आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है कोई भी दो ऑपोजिट साइड इक्वल आ जाए सानू गिवन सी कि दिस एंगल इक्वल टू दिस असी मार्क कर दिता फिर सानू बोलिया गया सीगा कि पी एस रेशो एस क्यू इज इक्वल टू पी टी रेशो टी आर तो थ्योरम 6.2 की बोलती है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशो दैन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड तो इन्हें मतलब जी लाइन है वह इस लाइन दे की हो गई पैरेलल हो गई तो जे लाइन पैरेलल है तो आ दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय कोरसपोंडिंग पेयर बट सानू गिवन से कि आ दोनों एंगल भी इक्वल है तो इन्हें मतलब आ दोनों एंगल भी की हो गए इक्वल फिर असी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी डिस्कस की सी ऐसी जो आप चैप्टर स्टार्ट किया है ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस की सी कि साइड्स ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल आर इक्वल अगर दो एंगल इक्वल ने ट्राइंगल तो इनके ऑपोजिट साइड आ वाली और इनके ऑपोजिट साइड आ वाली भी की होगी इक्वल तो साडे कोल दो ऑपोजिट साइड इक्वल आ गया इट मीनस ट्राइंगल की हो गया आइसोसेलेस तो इस तरीके आप थ्योरम 6.2 यूज करके इस क्वेश्चन आप सॉल्व किया सो आप क्वेश्चन ट्राई करते हैं सानू दिता है इन अ फिगर डी ई इज पैरल टू बी सी तो असं मार्क कर देने डी ई पैरल टू बी सी और वो बोल रहे हैं फाइंड ई सी मतलब आ लेंथ करनी है तो केड़ी थ्योरम लगेगी थ्योरम 6.1 क्योंकि अपन पता है जो दो लाइनस पैरल हो जिस साइड तो यह कटदी ने उन्हों की रेशो की होंगी है इक्वल तो आप इतने सीधा लिखेंगे बाय थ्योरम 6.1 तो थ्योरम 6.1 की स्टेटमेंट जी तो पूरी लिखनी है कि हैगी स्टेटमेंट इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल मतलब यह लाइन ड्रॉ की तुम्हें किसी एक साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स दैन द रेशो जी आएगी वो की आएगी सेम एवं थोड़ी थ्योरम 6.1 की स्टेटमेंट तुम इतने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है तो इन्ना मतलब साढ़े को आ गया रिजल्ट आप लिख देंगे ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी ठीक है ए डी अपन दिती है 1.5 सेंटीमीटर यह सारी वैल्यू सेंटीमीटर के ही है ठीक है तो यह 1.5 डी बी सन दिती है 3 सेंटीमीटर और ए ई सन दिती हुई है 1 सेंटीमीटर और अपन ई सी कढ़नी है ठीक है एंड यह सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया आ भी सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर जाऊगा तो अपने को आ गया 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी ठीक है अपन की कटिंग कर देने 3 दे टेबल ते डेसिमल हटावेंगे नीचे 0 आ जाएगा तो आ गया 3 दे टेबल ते 3 टेंस आ और 3 फाइव्स आ तो यह की आ गया 5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1 बाय ई सी तो यह की आ गया 0.5 इज इक्वल टू 1 बाय ई सी देखो कितना कटिंग की असी असी लिखा है थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन डी बी किंदे कोल ए ई अपॉन ई सी दे ए डी वैल्यू सानू दित्ती सी 1.5 असी 1.5 लगाई डी बी सानू दित्ती सी 3 असी 3 लिख दिता ए ई दिता सी सानू 1 और ई सी सानू फाइंड करना सी तो उत्थे ई सी लिख दिता उस तो बाद असी सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर कर दिते इत्थे आ गया 1.5 डेसिमल टायर नीचे आ गया 30 सानू पता है 3 5 जा 15 होंदा तो आ गया 5 बाय 10 इज इक्वल टू 1 बाय ईसी तो आ गया 0.5 इज इक्वल टू 1 बाय ईसी इनू अगे सॉल्व करते हैं इतने क्रॉस मल्टीप्लाई हो जूगा तो इतने आ जूगा 0.5 इंटू ई सी इज इक्वल टू 1 तो इतों ई सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/0.5 डेसिमल उत्ते भेजिए यह आ गया 10 डिवाइडेड बाय 5 तो कि आ गया 2 सेंटीमीटर इन्हें मतलब जी थोड़ी आ वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2 सेंटीमीटर तो कि थ्योरम लगाई है थ्योरम 6.1 क्यों लगाई है क्योंकि सानू बोलिया है कि एक लाइन
ट्राइंगल दी किसी एक साइड दे पैरेलल है तो सानू कंडीशन थ्योरम 6.1 दी प्रूव हो रही मतलब वैलिड है क्योंकि असी की कह रहे हैं कि जेडी लाइन ले रहे हो वो किसी एक साइड दे पैरेलल है तो असी की कहने कि जिस पॉइंट ते लाइन कटती होएगी उन्हें साइड्स की रेशियो जो चकोगे तो की आएगी इक्वल तो उनके नाल साढ़े कोल की निकल आई अननोन डायमेंशन जो कि ईसी कटना सीगा सॉल्व करके साढ़े कोल कितना आया 2 सेंटीमीटर तो कहने का मतलब कि आप क्वेश्चन क्यों ट्राई किया है ताकि तुहानू पता लगे कि थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 किदा यूज करनी है ठीक है। हुण आपां थोड़ा जिहा टिपिकल क्वेश्चन करते हैं ये बहुत ईजी क्वेश्चन सीगा जिंदा ही तुहानू सिर्फ पता लगा कि थ्योरम 6.1 यूज किदा करनी है। हुण आपां थोड़ा जिहा टिपिकल क्वेश्चन ट्राई करांगे उनदे च देखांगे कि थ्योरम 6.1 लगेगी कि थ्योरम 6.2 लगेगी। सो स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट की है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो इसका मतलब की है एक ट्राइंगल है सपोज एक ट्राइंगल है एबीसी अपने वालों पर अज्यूम किया है कि एक ट्राइंगल एबीसी असी की किया एक मिड पॉइंट तो लाइन ड्रॉ करनी है सपोज ई मिड पॉइंट है अगर यह मिड पॉइंट है ना तो ए ई लेंथ तो ई बी लेंथ की होगी इक्वल कहते इतों की बिल्कुल पैरेलल लाइन लेके जाओ और वो पैरेलल किंदे हो गए बीसी लाइन दे तो कहते जिथे ये कटूगी वो भी की होंगे मिड पॉइंट्स होंगे ठीक है। तो सानू प्रूव की करना है कि जेडी ए एफ वैल्यू है और एफ सी वैल्यू है वो इक्वल आवे। थ्योरम की स्टेटमेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो की है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट असी की किया ई मिड पॉइंट दिता है ए बी का उतों की असी लाइन ड्रॉ की है ठीक है पैरेलल टू द अनदर साइड और यह लाइन जी है वह किंदे पैरेलल है किसी साइड के पैरेलल है ट्राइंगल के सानू चेक करना है कि जेड़ा जिथे कटेगी वो भी बाइसेक्ट हो जाए बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर तुहानू ध्यान आया हो थ्योरम जी है तुसी 9th क्लास में पढ़ी है और इस थ्योरम का नाम से मिड पॉइंट थ्योरम असी किंदे च कीता सी क्वाड्रिलेटरल्स विच एक एक्सरसाइज सी पैरेलोग्राम रोहम्बस स्क्वायर वाली और दूसरी जी एक्सरसाइज सी सारी की सारी मिड पॉइंट थ्योरम के उत्ते लगी सी ठीक है। चैप्टर नंबर 8 सीगा तुहाडी क्लास 9th का उनके विच तुसी यह थ्योरम की हुई है ठीक है। बट हुण आपां देखदे आं इहनू 6.1 या 6.2 थ्योरम के नाल आपां इहनू किद्दां प्रूव करिए ठीक है। सानू गिवन जो है आपां लिखदे आं पहला सानू गिवन की है आपां लिख दिंदे आं इन ट्राइंगल ए बी सी ए ई इज इक्वल टू ई बी मतलब एक मिड पॉइंट गिवन सीगा पहली गल ठीक है। एंड ई एफ जिहड़ी लाइन है वह पैरेलल है बी सी लाइन दी क्योंकि सानू बोलिया सीगा एक मिड पॉइंट तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ठीक है। तो इट मीनस अगर यह मिड पॉइंट है ई मिड पॉइंट है तो ए ई लाइन और ई बी लाइन इक्वल होएगी और अगर यह लाइन पैरेलल है तो तुसीं इस चीज़ नूं इदां लिखोगे ठीक है। सानू टू प्रूव की करना है टू प्रूव करना है कि एफ वी की आवे मिड पॉइंट आवे ए सी का मतलब सानू प्रूव करना है ए एफ इज इक्वल टू एफ सी ठीक है। आपां सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं प्रूफ तुहाडे अगे दो थ्योरम्स लिखी हुई ने एक है थ्योरम 6.1 और एक है थ्योरम 6.2। एक बार आप स्टेटमेंट दोनों की पढ़ते हैं ठीक है। थ्योरम 6.2 की कहती है 6.1 की कहती है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो जिन्ना मतलब तुसी समझ चुके हो। और थ्योरम 6.2 की कहती है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो दैन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हुण तुसीं इह दोनों थ्योरम्स दी स्टेटमेंट तुहाडे दिमाग च बैठी हुई है मैं नाल ही तुहाडे लिखी हुई है इस करके मैं रिवाइज़ किया है दो दो बारी तीन तीन बारी इस करके बोल रहा तुहानूं थ्योरम ताकि तुहाडे दिमाग च बैठ जाए उहदी स्टेटमेंट। हुण देखो आपां नूं किहड़ी कंडीशन दित्ती हुई है सानूं बोलिया है कि आह लाइन पैरेलल इस लाइन दे इट मीनस ए किहड़ी कंडीशन है थ्योरम 6.1 दी अगर दो लाइनस पैरेलल होन ठीक है एक ट्राइंगल दे विच एक लाइन दूसरी साइड दे अगर पैरेलल चल रही है तो इन्हों की रेशो की होंगी है इक्वल होंगी है क्योंकि आप पढ़ी है हमने थ्योरम 6.1। तो आप प्रूफ के चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी ठीक है असं लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी के ई एफ इज पैरेलल टू बी सी सो आप कि थ्योरम लगा सकते हैं सो थ्योरम 6.1 अगेन तुम इतने पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है जो कि थोड़े अगर लिखी हुई है सो बाय थ्योरम 6.1 असं लिख देंगे कि जी ए ई रेशो ई बी है वो किंदे कोल आएगी ए एफ रेशो एफ सी दे ठीक है। आपां की कीता क्योंकि सानू बोलिया हुआ सी आ लाइन और आ लाइन पैरेलल है तो थ्योरम 6.1 की बोलती है दिस
रेशो दिस इक्वल टू ए एफ रेशो एफ सी। आप ही चीज लिखी है। हूँ देखो सानू गिवन की है, सानू गिवन है कि ए ई अपॉ ए ई और ई बी की इक्वल है, तो मैं एन दी जगह भी ई बी लिख दा क्योंकि सानू गिवन है कि ए ई तो ई बी की ने इक्वल है। तो ए क्या आ गया, ई बी अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। उन्हें ई बी नाल ई बी कैंसल हो गया कि आ गया वन, तो इतों की आ गया वन इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो अपने कुल की आ गया एफ सी इज इक्वल टू ए एफ। सानू यही चीज़ प्रूव करनी सी कि आ भी मिड पॉइंट आवे तो अपने कोल प्रूव हो गया कि ए एफ किन्दे कोल है एफ सी। सो इस तरीके दे नाल थ्योरम 6.1 यूज करके असी मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव की है। मिड पॉइंट थ्योरम की होंगी सी, आप 9th विच पढ़ी हुई है, उन्दे विच की सीगा कहिंदे ने अगर तुसी एक ट्राइंगल दे विचे एक मिड पॉइंट तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लैके जा रहे हो और लाइन इन्दे थर्ड साइड के पैरल है तो जिथे वह कटती है वह भी मिड पॉइंट होंदा है दूसरी साइड का। तो यही चीज़ आप प्रूव की है बाई यूजिंग थ्योरम 6.1। सो क्वेश्चन तुहानू समझ आ गया किस तरीके ना प्रूफ चले है। मैं थोड़े सामने हर बारी बोलूँगा थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 ताकि तुहानू पता लगे कि थ्योरम 6.1 की कंडीशन की है तो उनका रिजल्ट की है, थ्योरम 6.2 किस कंडीशन लिए वैलिड है तो उतों की रिजल्ट निकलता है। तो आप इतने देख रहे थे कि दो लाइनस पैरल है, इट मीनस वो कि कंडीशन से थ्योरम 6.1 की सैटिस्फाई कर रहे हैं। अगर दो लाइनस पैरल हो तो आप बोलते हैं कि साइड्स की होंगे रेशो के विचे क्योंकि थ्योरम 6.1 यही बोलती है। उन्होंने यूज़ करके असी की कर लिया प्रूफ कर लिया कि एफ वी मिड पॉइंट है अपना ए सी का, मतलब ए एफ और एफ सी की है इक्वल है। सो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 किदा अप्लाई होगी इतने, या थ्योरम 6.1 लग सकती है या थ्योरम 6.2 या दोनों भी लग सकती ने। सो क्वेश्चन की है, अपन बोला कि ना फिगर तुहाडे सामने बनी हुई है, सानू बोलिया डी ई इज पैरेलल टू ए सी। तो आप मार्क कर लें, देखो डी ई कि लाइन है आ वाली, डी ई कि पैरेलल है ए सी लाइन दे, तो नाल ही बोला गया जो डी एफ लाइन है वह कि पैरेलल है ए ई लाइन दे, तो आ जी डी एफ लाइन है वह पैरेलल है ए ई लाइन दे, ठीक है। और सानू बोलिया कि गया है कि प्रूव दैट बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू क्या है बी ई अपॉन ई सी। तो बी एफ कि लाइन होगी आ वाली, बी एफ अपॉन एफ ई किन्दे कोल आवे बी ई अपॉन ई सी दे। तो देखो अपन दिख रहा है साइड्स पैरल नाल सानू ट्राइंगल भी दिख रहा है, तो आप फटाफट देखिए या थ्योरम 6.1 या थ्योरम 6.2। तो थ्योरम 6.1 कदों वैलिड होंगी है, जो असं बोलते हैं एक लाइन ट्राइंगल की किसी साइड के पैरल होवे, और इतने सानू यही दिता हो तो आप थ्योरम लगावेंगे थ्योरम 6.1। देखो आप लैना है डी ई तो ए सी, कितने डी ई आ देखो आ रहे डी ई और ए सी। अपने को बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब थ्योरम 6.1 कदों लगती है जो असं बोलते एक लाइन ट्राइंगल की साइड के पैरल होवे, तो असं कि लाइन कंसीडर कर रहे हैं आ डी ई, तो ट्राइंगल की साइड कि आ रही ए वाली, इट मीनस सानू कि ट्राइंगल चकना पेगा पूरे का पूरा ट्राइंगल, पूरे का पूरा ट्राइंगल चकेंगे और उनके विचों सिर्फ और सिर्फ असी केड़ी दो साइड्स कंसीडर केड़ी दो लाइनस कंसीडर करनी है जिहड़ी मैं ओरेंज कलर नाल तुहानूं शो कर रहा। अज्यूम कर लो कि यह लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना ए लाइन एग्जिस्ट करती है ना ए लाइन एग्जिस्ट करती है, सिर्फ साढ़े को एक डी ई लाइन है और एक ए सी लाइन है और यह दोनों पैरल ने। जे दोनों पैरल ने तो बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थ्योरम की कहेगी कि इन्हों की रेशो की आएगी इक्वल। तो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, सानू गिवन की है, अपन जो गिवन आप लिख लें डी ई पैरल टू ए सी एंड डी एफ पैरल टू ए ई, यह चीज़ गिवन है। सानू टू प्रूफ की करना है, टू प्रूफ के असं लिख देंगे कि जी रेशो प्रूव करने वास्ते बोली है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो आप प्रूफ के स्टार्ट किया, प्रूफ के केड़ी लाइन कंसीडर कर रहे हैं इन ट्राइंगल, जो मैं ए वाली लाइन देखनी है डी ई और ए सी, तो आप कि ट्राइंगल होता है पूरे व्डे का व्डा, तो इन ट्राइंगल ए बी सी आप बोल रहे हैं कि डी ई किन्दे पैरल है ए सी दे पैरल है। सो बाय थ्योरम 6.1, अगेन तुसी इत्थे थ्योरम 6.1 नहीं लिखना, तुसी पूरी दी पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, जो स्टेटमेंट की है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो। तो मैं इन्नी बारी तां बोल रहा ताकि तुहानू इह स्टेटमेंट जिहड़ी एग्जैक्ट याद रहे और तुसी इत्थे लिखनी है, ठीक है। सो बाय थ्योरम 6.1 असी की लिख देंगे, क्योंकि सानू दिख रहा है ए लाइन दे पैरल है, इट मीनस बी डी रेशो डी ए
बी डी अपॉन डी ए किंदे को लाऊगा बी ई अपॉन ई सी दे लिख देना इक्वेशन नंबर वन। ठीक है अपा की क्या कि आ लाइन देखनी है और ए लाइन देखनी है, अगर ये दोनों पैरेलल ने इट मीनस साडे कोल जिहड़ी बी डी रेशो ए डी आएगी वो किंदे कोल आएगी बी ई रेशो ई सी दे। असी की अज्यूम किया कि डी अपने कोल डी एफ ते ए ई लाइन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, सिर्फ आ लाइन और वड्डा ट्राइंगल। तो अपन पता है जो लाइनस पैरेलल होंदियां ने साइड्स की आंदियां रेशो दे विचे, तो मतलब बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, वही चीज़ लिखी है। हुण आपां दूसरी साइड देखते हैं केड़ी है, अपने कोल दो लाइनस होर भी पैरेलल दित्तियां होईयां ने गिवन, वो की ने डी एफ पैरेलल टू ए ई। देखो कितने डी एफ आ रहा, डी एफ और पैरेलल टू ए ई। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कदों लगती है, जो एक लाइन किसी ट्राइंगल की साइड के पैरेलल होवे। तो हुण आपां नूं जिहड़ा अगर मैं यह लाइन कंसीडर कर रहा और केड़ी लाइन कंसीडर कर रहा वा आ वाली, तो मैं केड़ा ट्राइंगल चकना चाहिए ऐ वाला, जो कि मैं तुहानूं येलो दे नाल शो कर रहा, या इन येलो की जगह आपां पर्पल दे नाल शो कर देना ताकि तुहानूं कलर दिखे। ठीक है तो आपां केड़ा ट्राइंगल देख रहे हैं आ वाला, और केड़ियां दो लाइनस पैरेलल ने इहदे विच, आ लाइन और आ लाइन। मतलब हुण अज्यूम कर लो कि तुहाडी जिहड़ी डी ई लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो सानूं पता है जदों एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो तो थ्योरम 6.1 के हिसाब से साढ़े को जी बी डी अपॉन ए डी है वह किन को आएगी बी एफ अपॉन एफ ई को। ठीक है तो आप कि ट्राइंगल चुके इन ट्राइंगल ए डी ई अपन गिवन है कि जी अपने को लाइन है डी एफ वो पैरेलल है ए ई दे। सो अगेन बाय थ्योरम 6.1 अपने को साइड्स की आ जाएंगे रेशो के विच, मतलब साढ़े को जी बी डी रेशो ए डी है वह किंद को आ जाएगी बी एफ रेशो एफ ई दे। तो लिख दिया इक्वेशन नंबर टू। तो आप देखिए लाइनस पैरेलल सीगिया थ्योरम 6.1 लग रही है, तो पहला जो मैं डी ई और ए सी लिता उनके लिए ट्राइंगल ए बी सी लिता, उत्थे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के साढ़े को साइड रेशो च आ गई। फिर आप लाइन कि लिती डी एफ और ए ई उनके लिए आप ट्राइंगल लिता ए डी ई, उत्थे भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब थ्योरम 6.1 लगा के साढ़े को साइड्स की आ गया रेशो के विच। हुण तुसीं देख रहे हो इत्थे भी बी डी अपॉन ए डी है, इत्थे भी बी डी अपॉन ए डी है। अगर इन्हां दी अपने कोल राइट साइड सॉरी लैफ्ट साइड इक्वल ने तो राइट साइड भी की होनी है इक्वल। तो आप इत्थे लिख देने फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू अपने कोल क्या आ गया बी ई अपॉन ई सी, किंदे कोल आ गया बी एफ अपॉन एफ सी। और देखो अपा नूं प्रूव भी यही चीज़ ही करनी सी, सानूं प्रूव की करना सी बी एफ अपॉन एफ ई। देखो बी एफ अपॉन एफ ई चाहिए सीगा, इत्थे अपने कोल एफ ई ही आ रहा होना है, इत्थे एफ ई सीगा आपां गलती ना लिखे, क्योंकि देखो असी लिख रहे हैं बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन एफ ई सीगा, मैं इत्थे गलती ना एफ सी लिखा सी, क्योंकि आपां ट्राइंगल किहड़ा ले रहे ए डी ई तो इत्थे तक ही ट्राइंगल है, और आपां नूं पता है ए लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इहदा मतलब दिस रेशो दिस इक्वल टू दिस रेशो दिस होगा। ठीक है तो हुण आपां इक्वेट किया तो साढ़े कोल की आ गया की प्रूव करने वास्ते बोलिया सी बी एफ अपॉन एफ ई। देखो इत्थे बी एफ अपॉन एफ ई है इक्वल आना चाहिए बी ई अपॉन ई सी दे, इक्वल आ गया बी ई अपॉन ई सी दे, इहदा मतलब सानूं इत्थे स्टॉप हो जाना चाहिए साडा रिजल्ट आ चुका है, तो हैंस प्रूव। तो इस तरीके नाल असी दो ट्राइंगल लैके और कंडीशन यूज करके पैरेलल वाली थ्योरम 6.1 यूज करके असी इहनूं सॉल्व किया। सो अगले क्वेश्चन लिए अगेन सानूं फिगर दित्ती हुई है, कंडीशन दित्ती हुई है डी ई लाइन पैरेलल टू ओ क्यू लाइन। तो आपां डी जिहड़ी डी ई लाइन है आ रही तुहाडी डी ई लाइन वह किंदे पैरेलल दित्ती है ओ क्यू लाइन दे, असी मार्क कर दिता। तो जिहड़ी डी एफ लाइन है वह किंदे पैरेलल है ओ आर लाइन दे, तो जिहड़ी आ वाली डी एफ लाइन है वह किंदे पैरेलल है ओ आर लाइन दे। सानू शो करना है कि जिहड़ी ई एफ लाइन है जिहड़ी आ वाली लाइन है वह पैरेलल आवे क्यू आर दे, तो सानू यह शो करना है। शो करन तो पहला आपां गिवन कंडीशन तो देखते हैं की कर सकते हैं। सानू अगेन दिख रहे दो साइड्स पैरेलल, तो केड़ी थ्योरम लगेगी थ्योरम 6.1, बट वो एक ट्राइंगल ते लगेगी, वो किस तरीके ना लगेगी एक लाइन एग्जिस्ट ऐदा होवे ते दूसरी लाइन ट्राइंगल दी साइड होवे। तो देखो आपा केड़ी जदों मैं देख रहा डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, तो आ रही डी ई और आ रहा ओ क्यू, तो ए लाइन पैरेलल होनी चाहिए है साइड ऑफ ट्राइंगल, तो इहदा मतलब तुहानूं ट्राइंगल केड़ा देखना चाहिए है आ वाला। जो तुसीं आ ट्राइंगल देखोगे तो तुसीं कह दोगे एज ई डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, किहड़े वाले ट्राइंगल दे विच आपां मार्क करदे हां नूं आ रहा
येलो कलर ना मैं तुहानू थोड़ा शेड करके दिखा रहा। ठीक है, आप केड़ी केड़ी दो लाइनस पैरल कही ने, एक तो कही है ई डी लाइन और पैरल है ओ क्यू लाइन दे। तो सिर्फ इस लाइन में एज्यूम करो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो अगर तुहाडे कोल एक ट्राइंगल दे विच्चे एक लाइन दूसरी साइड के पैरल होवे तो थ्योरम 6.1 की कहती है कि इन्हों की रेशियोज की होनगियाँ इक्वल होनगियाँ। ठीक है, इसी तरीके दे नाल जो मैं देखना है डी एफ पैरल टू ओ आर, आ रहा डी एफ और आ रहा ओ आर, तो इन आपको कि ट्राइंगल चकना पेगा सेम तरीके दे नाल आ वाला ट्राइंगल जिंदे विच्चे तुहाडे कोल एक लाइन है डी एफ और वह किंदे ट्राइंगल की साइड के पैरल है। जो भी एक लाइन ट्राइंगल के साइड के पैरल होगी तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कहेगी कि पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। पहले आप इतने तक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लिखने इतने तक जो आप मैं तुम्हें हमने दसिया, तो गिवन की अपन एक तो दिता है डी ई पैरल टू ओ क्यू, तो नाल ही सानू दिता है डी एफ पैरल टू ओ आर। तो सानू टू प्रूव की करना है, टू प्रूव करना है अपन ई एफ लाइन पैरल आ जाए क्यू आर लाइन दे। और आप स्टार्ट करते हैं प्रूफ के विच जो मैं हमने तुम समझाया, पहला कि ट्राइंगल चकेंगे ओ क्यू पी, तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू अपन दिता है ई डी इज पैरल टू ओ क्यू। सो आप की लगा सकते हैं बाय थ्योरम 6.1, क्योंकि थ्योरम 6.1 कदों लगती है जो एक लाइन ट्राइंगल की साइड के पैरल होवे, तो आपको पता है कि जिहड़ी पॉइंट्स होंगे वह इनू डिवाइड करते होंगे इक्वल रेशियो के विच। तो इसका मतलब साढ़े को जिहड़ी पी ई लेंथ है अपॉन ई क्यू लेंथ वह किंदे इक्वल आएगी पी डी अपॉन डी ओ। सो इनू लिख देना इक्वेशन नंबर 1। आप की क्या कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, असी की क्या कि आ लाइन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, ऐदा ही आप ट्राइंगल चकेंगे सेकेंड इन ट्राइंगल पी ओ आर, अपन गिवन है उन कि जो डी एफ है वह पैरल है अपने को ओ आर दे। सो अगेन बाय थ्योरम 6.1, तो थ्योरम 6.1 की कह रही है कि साइड्स की होंगे रेशो दे, क्योंकि सानू पता है इस ट्राइंगल दे विच एक लाइन ट्राइंगल दी साइड दे पैरल है, तो साइड्स की होंगे रेशो दे कुल। सो इसका मतलब जिहड़ी पी डी है अपॉन डी ओ, ठीक है, पी डी अपॉन डी ओ किंदे कोल आएगी पी एफ अपॉन एफ आर। लिख देना इक्वेशन नंबर 2। तो पहला मैं इस ट्राइंगल दे विच बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई है, फिर इस ट्राइंगल दे विच बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई है, दो इक्वेशन बनिया ने, एक है इक्वेशन नंबर 1 एक है इक्वेशन नंबर 2। अगर तुसी ध्यान नाल देखो इत्थे भी पी डी अपॉन डी ओ है, इत्थे भी पी डी अपॉन डी ओ है, अगर ये दोनों चीज़ा इक्वल ने, इहदा मतलब ये दोनों चीज़ा भी की हो गया इक्वल। सो आपां नूं कर दिंदे आ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपां कोल की आ गया कि जिहड़ा पी ई अपॉन ई क्यू है वो किंदे कोल आ रही है पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, असी की क्या कि अगर पी डी अपॉन डी ओ की वैल्यू एक बार है पी ई अपॉन ई क्यू, एक बार पी डी अपॉन डी ओ की वैल्यू है पी एफ अपॉन एफ आर, अगर ये दोनों चीज़ा सेम ने ये दोनों चीज़ा भी क्यों होंगे इक्वल, तो साढ़े को आ गया पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। देखिए आप कितने आ रहे पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। देखो आप ट्राइंगल देखते हैं आ वाला पूरा व्डे वाला ट्राइंगल, व्डे वाले ट्राइंगल में मैं ओरेंज कलर ना शो कर रहा दोबारा, तो आप व्डे वाला ट्राइंगल देखिए आ वाला और सानू दिख रहा है पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। जो सानू रेशोज इक्वल दतिया तो कि थ्योरम लगती है थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 की कहती है अगर थोड़ी साइड्स इक्वल रेशो के विच कट्टी जा रही है इट मीनस थोड़ी जी लाइन है वो आपस की हो गया पैरल, क्योंकि देखो थ्योरम 6.2 की स्टेटमेंट यही है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशो दैन द लाइन इज पैरल टू द थर्ड साइड। इतने पी एफ और एफ ई अपने को ई क्यू किंदे को आ रहा है सॉरी
PE अपॉन EQ किंदे कोल आ रहा सी PF अपॉन FR दे, इट मीन्स जेड़िया लाइन है EF वो किंदे पैरेलल होएगी QR दे बाय थ्योरम 6.2। तो अपन देख रहे हैं इन ट्रायंगल PQR असी की कह दिता कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। रीजन की लिखांगे असी हुने प्रूव किता है, प्रूव्ड अबव। सो बाय थ्योरम 6.2 सॉरी, सो थ्योरम 6.2 की कहती है अपने को जड़ी EF लाइन है वो किंदे पैरेलल हो गई QR दे। और देखो सानू प्रूव भी यही चीज करनी सी कि EF किंदे पैरेलल आवे QR दे, तो अपन लिखांगे हेंस प्रूव। तो इस क्वेश्चन दे विचे अपने को थ्योरम 6.1 ते थ्योरम 6.2 दोनों यूज होईयां ने। तो तुसी ए दोनों थ्योरम्स दी स्टेटमेंट ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੂਫ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।